पुआ और पूड़ी बिहार की बहुत ही फेमस डिश है। यहाँ हर त्यौहार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया जाता है, तो अगर आप बिहार से हैं तो इसे ट्राई करेंगे, अगर आप बिहार से नहीं हैं तो इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बेसिकली आटा से यहाँ पे बनता है, बहुत लोग मैदे से बनाते हैं, लेकिन मैंने लिया है 1 कप आटा, 1/2 कप शक्कर, अभी यहाँ पे 1/4 कप आटा और लिया है। बेसिकली जो इसका प्रपोर्शन होता है 2:1 का होता है, मतलब 2 कप आटा तो 1 कप शक्कर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपको एक थिक सा घोल बनाना है। इसे तब तक कैसे मिक्स करना है, आप चाहें तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको तब तक के मिक्स करना है जब तक कि वो जो शक्कर है, जो चीनी है ना, वो अच्छे से घुल जाए और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, इसे हल्के हाथ से आप चलाते जाएं, एक ही डायरेक्शन में चलाएं और इसे घुमा के फिर से इसको ऐसे मिक्स करते जाएं। आप विस्कर से चलाएं बेस्ट रहेगा। 15 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दें और अभी आप 15 मिनट बाद देखेंगे बिना बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाले इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। इससे होगा ये कि जो आपका पुआ होगा ना वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, तो 15 मिनट के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है। अभी ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी ना बिल्कुल इस तरीके से रहेगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। अभी ये बिल्कुल बन के तैयार है, अब चलते हैं इसको छानने की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा गाढ़ा सा पेस्ट है, तो फ्लेम जब आपका तेल बहुत हल्का गर्म हो ना तभी आप इसे डाल दें, और जैसे ही डालें फ्लेम को हाई कर दें और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि ये पेस्ट कढ़ाई में चिपका होता है या पैन में चिपका रहेगा, बल्कि बहुत ही हल्के हाथ से आप इसे ऐसे हिलाते रहें। आप ध्यान देंगे थोड़ी देर में ही हल्के हाथ से चलाने से जो पुआ है ना ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा, जैसे पूड़ी तैरती है बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से तैरने लगेगा। बस इसे पलटें और अब इसे हल्के हाथ से ऐसे दबाते जाएं। दबाने से होगा ये कि जो पुआ होगा ना बिल्कुल पूड़ी जैसा ये फूल जाएगा और बिल्कुल बाहर से कुरकुरा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ऐसे ही आप दबाते जाएं, थोड़ी देर में आप ध्यान देंगे कि पुआ बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, तो बिल्कुल हल्के हाथ से दबाएं। अभी ये थोड़ा सा फास्ट मोशन में है तो इसलिए आपको जल्दी दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हल्के हाथ से इसको दबाना है। अभी ये देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे पूड़ी जैसा फूल गया है। अब हम इसे दोनों साइड ऐसे ही दबा के इसको थोड़ा सा रेड होने तक के हमें इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम अभी भी हमारा हाई है। अच्छा, अभी एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। जैसे ही हम पुआ हटाते हैं ना फ्लेम हम वापस से लो कर देते हैं, और जब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम होता है तब हम इसमें वापस से सेकेंड बैच डालते हैं। जैसे ही पुआ डाल देंगे फिर से फ्लेम अपना हाई कर देंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कम गर्म तेल में आपको पुआ को डालना है। जैसे ही पुआ डल जाएगा फ्लेम आपको तुरंत ही हाई कर देना है, फिर पुआ निकालते टाइम फ्लेम को लो कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दूंगी तो आप उसे वहाँ पे चेक कर लें। अगर आपने कभी पुआ नहीं ट्राई किया है तो इस त्यौहार इस पुआ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल है, 2 इन्ग्रीडियंट्स हैं, ईजिली अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स हैं, लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। और ये मेरी माँ की रेसिपी है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है और बनाया भी उन्होंने ही है। तो ये बिहार की बहुत ही फेमस डिश होती है, जिसको नहीं पता है, लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, दूध से घोलते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको ऐसे सिंपल तरीके से बनाया है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहती है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बस आटे और चीनी का बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म सर्व कर दिया है, आप इसे अचार के साथ या सिंपल ऐसे पुआ या कोई सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। तो ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन चेक करें रेसिपी की डिटेल के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, बनाएं खाएं और इन्जॉय करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, थैंक यू।